दिल्ली में चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी एमसीडी को फटकार लगाई है और पूछा है कि पिछले 2 महीनों में आप क्या कर रहे हैं। नगर निगम ने जवाब दिया कि वह घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग रोकने के उपाय कर रहे थे, जिस पर एनजीडी ने पूछा कि लगता है कि आपके पास कोई कार्य योजना नहीं है, अगर होती तो लोग इतने बड़े पैमाने पर बीमार नहीं होते। एनजीडी ने आदेश दिया है कि एमसीडी के डीसी के नेतृत्व में एक जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया जाए, जो इस मामले में उठाए जा रहे कदम की निगरानी कर सके। वह इस मामले पर कल हाई कोर्ट ने भी गंभीरता दिखाई है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निगमों को निर्देश दिया है कि वे डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के उपाय जारी रखें। कोई भी मरीज अस्पताल में बिना इलाज के ना जाए। दरअसल वकील शाहिद अली ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों पर आरोप लगाया था कि ये डेंगू और चिकनगुनिया के प्रकोप से निपटने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठा रहे हैं। साथ ही याचिकाकर्ता ने इससे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे, जिस पर कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिए हैं कि वो याची के सुझावों को लागू करने पर विचार करे और 4 हफ्ते के अंदर फैसला ले। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया जितनी तेजी से पैर पसार रहा है, उस पर एनजीटी और हाई कोर्ट भी चिंतित है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचा है, जिस पर 26 सितंबर को सुनवाई होगी। देखते रहिए टीवी लाइव।